ओके स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका है बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर होता क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या होती है, बाउंड्री लेयर को ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बाउंड्री लेयर से हम लोग क्या समझ रहे हैं या बाउंड्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे किसी भी बॉडी पे, किसी भी सॉलिड वॉल से अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल उस बाउंड्री से अडेयर होता है या उसके साथ चिपक जाता है, तो एक तरीके से वो लेयर फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बाउंड्री लेयर। अगर सबसे आसानी से समझना हो इसको, तो अगर कोई भी सॉलिड बॉडी है, सिंपल एग्जांपल अगर हम पानी का लेते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं पे एक टेबल है, दीवार है, टाइल्स है, कहीं भी आप उसमें पानी फेंक रहे हो, ठीक है, या पानी इसके ऊपर से पास कर रहा है, तो आप देखोगे कि उस सरफेस के ऊपर एक पतली सी पानी की परत जमी रहती है, वो नहीं हटती है। जैसे आप कहीं पानी गिरा दो अभी फर्श पे, टेबल पे, या किसी बुक पे, कहीं भी, तो एक लेयर पूरा पानी उससे पास कर जाएगा, लेकिन सबसे नीचे वाली लेयर क्या होगी कि उस बाउंड्री से स्टिक कर जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है, अगर सबसे इजी वे में समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने कोई फ्लो कराया, और उस फ्लो कराने से वहां पे वो चीज आके स्टिक कर गई। ठीक, जैसे कोई यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी बनाया गया है, ये दिख रहा होगा, तो ये सॉलिड बॉडी है और इधर से हम इस पे फ्लो करा रहे हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि बाउंड्री के आसपास में वो फ्लूइड आके उससे अडेयर होता है या उसके साथ स्टिक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर से नॉर्मल फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो जितने लेयर तक वो रुका रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक चैनल है, एक कोई कंटेनर है, कोई पैसेज है, उसमें हम फ्लो करा रहे हैं, तो सबसे निचली सतह पर एक लेयर पानी का रुका रहेगा और उसके ऊपर पानी फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो वो जो रुका हुआ सरफेस है, वो जो वाटर का सरफेस उस बाउंड्री से चिपका हुआ है फ्लूइड का, जैसे यहाँ देखो ये चीज आपका ये दिख रहा है, ये पूरा, ये तो ये उसके आसपास विजिनिटी में बाउंड्री के चारों ओर आप जो फ्लूइड का लेयर एडेयर होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। जैसे सिंपल कोई प्लेट है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, अगर उस पर कोई फ्लो पास कराओगे तो जो सबसे निचली सतह होगी उस पर कुछ वो फ्लूइड आके स्टिक कर जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि बाउंड्री लेयर कहाँ तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि जो बाउंड्री लेयर बना है, कि यानी किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर जब कोई फ्लो गया होगा तो कुछ हिस्सा उसका वहीं पर रुक गया होगा उसकी सतह पर, और उसके ऊपर से बाकी फ्लो पास कर गया होगा, तो वो जो रुका हुआ हिस्सा है और जो फ्लो पास हो रहा है उसका क्या रिलेशन है, कितनी दूरी तक ये बनता है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि बाउंड्री पे जैसे ही कोई फ्लो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आ रही समझ में, तो वो उससे रुक जाएगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमको उस फ्लो की वेलोसिटी मिलना शुरू होगी। ठीक है, अब उस फ्लो की जो वेलोसिटी मिलना शुरू होगी तो उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वो जो आपका फ्लो वेलोसिटी होगा कुछ दूर जा करके नॉर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है जैसे मानिए कि ये कोई फ्लो जा रहा है आपका, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये फ्लो इस बाउंड्री के आसपास देखो इतने जहां पे डैश लाइन है वहां तक ये रुक गया। ठीक, तो यहाँ अगर इसकी वेलोसिटी निकाली जाए तो वेलोसिटी एट बाउंड्री कितना होगा, जीरो। लेकिन उस बाउंड्री के ऊपर जैसे मान लो कि चैनल आपने बनाया, ठीक है, तो उस पर फ्लो तो होगा ही ना,
तो यानी कुछ दूर जाने के बाद हम ये देखेंगे, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये चीज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फ्लो आपका दिखा रहा होगा पैटर्न, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लो पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ दूरी तक बाउंड्री पे आपका फ्लूइड स्टिक किया रहता है, जहां तक उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ कर फ्लो की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। उस दूरी तक के फ्लो को हम लोग बोलते हैं आपका बाउंड्री लेयर, और उसके ऊपर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, जहां से चीजें आपकी हट जाती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये फ्लो आया, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कैपिटल यू होगी, ये जो है, ठीक। और ये चीज यहां पे आकर के 0 होती है, और इतना दूरी ट्रेवल होने के बाद, जैसे वो जो बाउंड्री के ऊपर जो लेयर चिपक जा रही है, बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जो आप लोग देखते हो नॉर्मली। तो इस रेंज में आपका वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम, यानी ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो 0 से मैक्सिमम इस रेंज में हो रहा है, इतनी दूरी में, कि बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी 0 है, कुछ दूर जाने के बाद वेलोसिटी के में कुछ वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि किसी भी सॉलिड बाउंड्री के ऊपर से जब कोई फ्लो पास करेगा, तो उस बाउंड्री पे फ्लो का कुछ हिस्सा आकर के रुक जाएगा, और वो जो रुका हुआ हिस्सा है उस फ्लो के ऊपर का, उसकी एक अपनी थिकनेस होगी, जितने दूरी तक वो बाउंड्री बनाए रखेगा, ठीक है। जैसे समझो कि एक आपका जो टेबल है, जिसपे मतलब जो क्लासरूम में टेबल आपका रखा है, कोई प्लेट मान लो, हम उसके ऊपर जो कोई फ्लो करा रहे होंगे, तो एक उस पे पतली सी परत जमी रहेगी फ्लो की। तो उस रेंज में क्या होता है कि वेलोसिटी 0 रहती है सरफेस पे, और उस लेयर के बाद वेलोसिटी जो होती है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, क्योंकि भाई उसके ऊपर फ्लो भी होना है। तो मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है, इसके ऊपर से हमारा ऐसे जो कोई फ्लो आ रहा है, ये निकल जा रहा है सीधे, ये फ्लो ऐसे निकल गया, तो और ये वाला फ्लो आके रुक गया। तो इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा du अपॉन dy भी आ रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy भी आपका आता है, ठीक। तो ये जिस रेंज तक रहेगा, यानी जहां से वेलोसिटी 0 से होकर के फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंचती है, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री, यानी वर्टिकल डिस्टेंस नापी जाए कि जहां 0 से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होता है, वहीं तक का रेंज में आपका बाउंड्री लेयर बनता है, ठीक है। ये बहुत पतला होता है, नॉर्मली आप इसकी थिकनेस को ऑब्जर्व वैसे नहीं कर रहे। सोचो कि आपके टेबल में पानी गिर गया है, आपने पूरा पानी नीचे निकाल दिया, गिर गया उसमें से, एक लेयर पानी का उस टेबल पर रुका हुआ है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो वो बहुत माइन्यूट सा होता है, जो आपको मतलब आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते कि हाँ इतना थिकनेस इसकी हो रही है, ठीक है। तो एक पतली सी परत होती है किसी सॉलिड बाउंड्री के ऊपर, और वो उसी फ्लूइड का होता है जो फ्लूइड उससे पास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो एक बार हेडिंग डाल लीजिए आप लोग उसमें बाउंड्री लेयर का।
ठीक है। और बाउंड्री लेयर सिंपल आप कह सकते हो कि जिस रेंज में एक फ्लूइड फ्लो आकर के उस बाउंड्री पे स्टिक होता है, जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 से लेकर के फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक में वैरी करती है, यानी 0 से स्टार्ट होते होते फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा, तो वो एक रेंज होता है बाउंड्री लेयर का, जिसमें बाउंड्री लेयर बनता है और उसी को बोला जाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर नोट करना चाहो तो बाउंड्री लेयर लिख सकते हो, बाउंड्री लेयर अ वेरी थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द सॉलिड बाउंड्री, वेयर द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 एट द सॉलिड बाउंड्री टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द बाउंड्री टेक्स प्लेस, इन दिस रीजन वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई एग्जिस्ट, ठीक है, और इसकी वजह से टाउ भी आएगा, ये भी आगे बताता हूँ मैं। ठीक, तो सिंपल आप ये लाइन नोट कर लो कि सॉलिड बाउंड्री के ऊपर जिस रेंज तक आपका वेलोसिटी 0 से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंचता है, उसी रेंज में आपका बाउंड्री लेयर बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया बाउंड्री लेयर। अभी मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर के बारे में जो भी है कि किसी भी सॉलिड बाउंड्री से कोई फ्लूइड जाके रुक जाता है इतनी दूरी तक, वही होता है आपका बाउंड्री लेयर। ठीक, अब बाउंड्री लेयर के बनने से वेलोसिटी 0 से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के पीछे बनता है, यानी देखो ये ग्रेडियंट मिल रहा है वेलोसिटी का, यहाँ दिख रहा है ये चीज, ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे दिख रहा है, फिर आगे जाके स्ट्रेट हो जा रहा है, तो जिस रेंज तक वेरिएशन है देखो यहाँ पे इस रेंज तक, यही रेंज आपका बाउंड्री लेयर का है। ठीक, अब डी यू अपॉन डी वाई आया है तो टाउ भी आएगा। ठीक, तो वही जो रेनॉल्ड्स आपका सॉरी विस्कोसिटी वाला इक्वेशन है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, इसी से आपका निकलेगा। ठीक, जो बाउंड्री लेयर के बाहर के फ्लूइड होंगे वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे जा रहे होंगे, उसमें कोई वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं होगा, तो डी यू अपॉन डी वाई अपने आप 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, और बाउंड्री लेयर के बाद डी यू अपॉन डी वाई
काम नहीं करता है, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वाई वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जो टाउ की वैल्यू है सीधे सीधे आपका जीरो हो जाएगी, ठीक। ठीक है, अब आते हैं लैमिनार बाउंड्री लेयर पे, ठीक। तो लैमिनार बाउंड्री लेयर में तीनों आएंगे आपके, लैमिनार भी आएगा, टर्बुलेंट भी होगा और ट्रांजिशन भी होगा, ठीक है। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर पर अगर बात करते हैं, तो अगर कोई बाउंड्री लेयर बना हुआ यानी किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर कोई फ्लो पास कराया गया और कुछ हिस्सा फ्लो का वहां पे रुक गया है, तो उस बाउंड्री लेयर में जो फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, जो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी डी यू अपॉन डी वाई होगा, अगर उस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी में आपका जो फ्लो है, जैसे ये बाउंड्री बनी, यहाँ पे देखो इस तरीके से एक बाउंड्री बनी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, अब इसमें भी तो फ्लो होगा, ऐसा तो है ना कि रुका रहेगा, ये फ्लो होगा लेकिन ऊपर वाले फ्लो से अलग, क्योंकि इसमें डी यू अपॉन डी वाई है, जीरो से लेकर के आपका 0.99 टाइम्स ऑफ यू तक होता है, यानी कैपिटल यू से अगर बात करते हैं तो कैपिटल यू पहुंचने के पहले तक जीरो से लेके 0.99 टाइम्स ऑफ यू तक वैल्यू होती है, यानी कैपिटल यू बनने से पहले तक का। अब लैमिनार बाउंड्री लेयर क्या होगा कि जब सिंपल मैं सुना दे रहा हूँ कि जैसे किसी एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये आपका एक प्लेट है, ये दिख रहा है, ये चीज ए से लेके डी तक ये आपका प्लेट है, ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, एक कोई भी प्लेट मान लेते हैं, इस प्लेट पे क्या है आपका सिंपल कि कोई फ्लूइड आकर के इसके ऊपर स्टिक किया, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी इस ए पॉइंट पे तो जीरो होगी क्योंकि एकदम रुक गया होगा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा तो एक समय के बाद देखो जैसे ये रेंज है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है। फ्री स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है जिसमें बिना कोई रुकावट के वो चल रहा है वो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो जीरो से लेकर के वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका फ्लो होगा वो कहलाएगा फ्री स्ट्रीम फ्लो या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक। अब अगर बात करें तो जो ये बाउंड्री लेयर आपका दिख रहा है यहां से ए से लेके ई तक, ठीक है, ये ए से लेके ई तक, इस रेंज में उस बाउंड्री लेयर में जो फ्लो हो रहा है डी यू अपॉन डी वाई की वजह से, अगर वो फ्लो आपका लैमिनार है यानी उसमें स्ट्रीम लाइन जो है पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ज़िगज़ैग मूवमेंट नहीं हो रहा है, हर एक पार्टिकल अपने लेयर में फ्लो कर रहा है, तो ऐसे बाउंड्री लेयर को आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर कहा जाएगा, ठीक है। यानी जो बाउंड्री लेयर किसी फ्लूइड के किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर बनी हुई है
तो उसको बोला जाएगा एक लैमिनार बाउंड्री लेयर। ठीक है, सिमिलरली जब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो उस वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन शुरू होंगे, तो जब फ्लक्चुएशन शुरू होगा जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट होता है जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर अगर निकाला जाए तो 2000 से 4000 के बीच में आता है, तो उसको बोला जाएगा ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर या ट्रांजिशन जोन। तो ये जो ई से एफ तक दिख रहा है ये आपका ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लैमिनार की बात करें तो जो यहाँ पे इसका रेनॉल्ड नंबर निकलेगा आर ई वो 2000 से कम होगा, और इसके बाद यहाँ पे जो रेनॉल्ड नंबर है वो ग्रेटर देन 4000 होगा। ठीक है, अरी बात समझ में। तो सिंपल जो आप लैमिनार फ्लो के बारे में जानते हो कि किसी भी रेनॉल्ड नंबर के ऊपर अगर उसका फाइंड आउट करते हैं तो 2000 से कम आता है तो लैमिनार, 4000 से ज्यादा आता है तो टर्बुलेंट। तो जो बाउंड्री लेयर बना हुआ है अगर उसमें हम रेनॉल्ड नंबर निकालें तो उस बाउंड्री लेयर में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आती है तो वो हो जाएगा आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर, अगर 4000 से ज्यादा आती है तो वो हो जाता है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, और अगर 2000 से 4000 के बीच में आता है तो वो हो जाता है ट्रांजिशन जोन। ठीक, अब एक टॉपिक आता है लैमिनार सब लेयर। ठीक है, एक टॉपिक होता है आपका लैमिनार सब लेयर। इसमें क्या करते हैं, सिंपल आपका कि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है अगर उसमें भी हम बात करें तो जो सॉलिड बाउंड्री है इस बाउंड्री के ऊपर ठीक यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, जो बाउंड्री का फ्रिक्शन है वो डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है उसके अंदर भी एक आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर बनता है जिसको बोलते हैं लैमिनार सब लेयर। ठीक है, यानी टर्बुलेंट जोन में बनने वाला आपका जो बाउंड्री लेयर है अगर उसमें फ्लो लैमिनार निकलता है नीचे साइड में जस्ट ओवर द सॉलिड बाउंड्री तो उसको बोला जाता है लैमिनार सब लेयर। जो यहाँ पे वर्डिंग यूज की है लैमिनार सब लेयर, एक तो लैमिनार बाउंड्री लेयर है जो कि सिंपल अपने आप में है कि उसका वहां पर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, ये फ्रेश बना हुआ है कहीं पर अलग से। लेकिन टर्बुलेंट के अंदर जब यहाँ पे आएंगे इस बाउंड्री पे आएंगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, फ्रिक्शन डोमिनेट करेगा, जिससे यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट नहीं होती है तो यहाँ बनता है लैमिनार सब लेयर। ठीक, तो ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो और इसके अकॉर्डिंग इसको नोट कर लो, लैमिनार बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर और लैमिनार सब लेयर के बारे में। बाकी मैं नोट अभी भेज दूंगा, उसको देख के नोट कर लेना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, यही सब पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक, बाउंड्री लेयर में कितने तरह के बाउंड्री लेयर बनते हैं, ठीक, और कैसे क्या होता है उसके बारे में पूछता है। तो ये सारी चीजें मैं अभी नोट्स भेज दे रहा हूँ, कॉपी में आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए अभी फिलहाल। नहीं, ट्रांजिशन जोन में आपका बहुत ही अनस्टेबल जोन होता है। ट्रांजिशन में तो लैमिनार बनता है और टर्बुलेंट बनता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फेज होता है, मतलब जिसमें ट्रांजिशन यानी चेंज यानी बदलाव हो रहा होगा तो उस फेज में नहीं बनता है। ठीक है, ट्रांजिशन में हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अनस्टेबल जोन माना जाता है उसको, तो ट्रांजिशन जोन में यानी एक चेंजिंग फेज है तो उसमें कुछ भी वैल्यू हमें एक्यूरेट नहीं मिलती है तो इसलिए हमें उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। ठीक है,
ये आपका लेमिनार बाउंड्री लेयर हो गया, ठीक। इसमें टर्बुलेंट भी दिखाया गया है, लेमिनार सब लेयर दिखाया गया है। तो अगर इसके बारे में लिखना चाहो तो यहाँ पे आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, लेमिनार सब लेयर के बारे में है, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ इसमें ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स आप लोग लिखते चलिए, बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे लैमिनार बाउंड्री लेयर क्या होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर क्या होता है, लैमिनार सब लेयर क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखते रहिए उसमें। ठीक है, तो ये आपके तीन लेयर होते हैं, लैमिनार बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर और लैमिनार सब लेयर, ठीक। अब इसमें आता है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक। तो थिकनेस का मतलब ये होता है कि बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस, यानी कितना बाउंड्री लेयर का, एक कह सकते हो जो बाउंड्री स्टिक हुई है वो कितना है, ठीक है, वो निकालना है। जैसे यहाँ पे जो बना हुआ है इस डायग्राम में, ये चीज जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये कितना होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये चीज, ठीक है, ये इतना होगा, ये कितना होगा, ठीक है, ये निकालना पड़ता है हमें। आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं इसको, ठीक। तो इसमें भी आपके तीन आते हैं, सिंबल आपके देखते हो, इसको लिखते हैं डेल्टा से हम लोग, ठीक है, डेल्टा से डिनोट करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। और ये होता कहाँ है कि देखो ये लाइन लिखी हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री मेजर्ड इन वाई डायरेक्शन, यानी वर्टिकल डिस्टेंस होती है कहाँ से कहाँ तक, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यानी प्लेट पे जहाँ पे लेयर आपका जीरो होगा, जीरो से उठ करके और जहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक मिल जा रहा है आपका, यानी ये जो रेंज है, जिस रेंज में यहाँ से बन करके यहाँ तक पहुँचा है,
इस रेंज का जो थिकनेस है ये अगर नापा जाए वर्टिकली, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है पूरा, या ये डिस्टेंस कह लो आप, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कहलाता है डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई कहलाता है ये। ठीक, सॉरी, हाँ, जहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई का एक पॉजिटिव रेंज मिल रहा होगा आपको, तो उसी दूरी को बोला जाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस, कि भाई कितना दूर तक वो बनेगा, तो उसको लिखते हैं डेल्टा से। तो ये आता है लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक, और लैमिनार सब लेयर, ये तीन होते हैं। ठीक है, अब इसमें से बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है आपका, एनर्जी थिकनेस है, ठीक है, तो ये सारी थिकनेस हमें निकालनी पड़ती है, मोमेंटम थिकनेस वगैरह, इसके डेरिवेशन एक पूछे जाते हैं जिसको मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, आज इतना समझिए कि बाउंड्री लेयर सिंपल मतलब क्या है, ओवरव्यू लेक्चर का आज का, कि अगर किसी सॉलिड बाउंड्री पे किसी प्लेट के ऊपर हम कोई फ्लो कराते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा आ करके उस प्लेट के ऊपर स्टिक हो जाता है, जस्ट अबव द प्लेट, तो जिस लेयर, एक पतली सी लेयर बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है उस सॉलिड बाउंड्री के ऊपर, जिसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर। अब उस सॉलिड मेम्ब्रेन में जो फ्लो हो रहा होगा, अगर उस फ्लो का अगर हम रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं, तो अगर वो लैमिनार आता है तो लैमिनार बाउंड्री लेयर है, टर्बुलेंट आता है तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। ठीक है, अब वो जो लेयर बनी हुई है उसकी मोटाई कितनी है, उस लेयर की मोटाई कितनी है, जो थिकनेस होगी उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक, तो जो लैमिनार का थिकनेस होगा, लैमिनार थिकनेस हो जाएगा, टर्बुलेंट के लिए टर्बुलेंट हो जाएगा, और सब लेयर के लिए सब लेयर थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगा, सिंपल आपका। तो आज के टॉपिक में कवर क्या हुआ कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का सिंपल मतलब है कि जहां वेलोसिटी आपका जीरो से स्टार्ट हो, बाउंड्री पे जो फ्लूइड लेयर चिपक गई है उसकी वेलोसिटी जीरो से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जहां से वो फ्रीली फ्लो कर रहा होगा, उस लेयर को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें तीनों आपको शो किया गया है। फिर आपका होता है थिकनेस, थिकनेस मैंने बता दिया कि जो ये आपकी दूरी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी यहां से लेके यहां तक की दूरी। ठीक है, तो ये आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर हो गया, टर्बुलेंट और लैमिनार सब लेयर, और ये हो गया आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस। कल से स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, ये कल के लेक्चर में कवर किया जाएगा। सो थैंक यू क्लास।